ये शादी अब नहीं होगी, इसकी किस्मत ही फूटी है। पहले सगाई हुई तो 3 महीने बाद टूट गई, अब शाम को शादी होने वाली है और गड़बड़ हो गई। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ सर, क्या बात है? Actually, दहेज में 2 करोड़ रुपए देने थे, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। 1 करोड़ रुपए की बात है, सारा पैसा सूटकेस में रखा था भैया, वो सूटकेस ही ले गए। कौन, रमन जी? हाँ, अरे काहे का रमन जी, लड़के वाले एक नंबर के नखरेबाज हैं। सूट सिर्फ अरमानी का चाहिए, मिठाई सिर्फ बंगाली चाहिए, उनके सारे रूल्स ही रूल्स। योगेश से बात करके उसे कन्विंस क्यों नहीं करते? एक्चुअली उसके डैडी से ज्यादा तो योगेश के नखरे हैं। उस दिन कह रहा था दहेज तो नहीं मांगूंगा, लेकिन दोगी तो मना भी नहीं करूंगा। अगर हमने दहेज नहीं दिया तो चले जाएंगे शादी तोड़ के, समझे? पता नहीं क्या होगा, ये जाके उन्हें बता दो, वो शादी तोड़ देंगे। तो तोड़ने दो। अरे पागल हो गए हो क्या? चिल्लाओ मत। अरे तो और क्या करूं, मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, तू उल्टी बात कर रहा है। अच्छा, 3 महीने पहले जब मैंने इससे सगाई तोड़ने के लिए कहा था तब तो मान गए थे, अब क्यों चिल्ला रहे हो? वो सगाई थी यार, ये शादी है। तो क्या हुआ, एक में लड़की को अंगूठी दे रहे हो और दूसरे में मंगलसूत्र, इतना ही फर्क तो है। सर ये मामला सोने के वजन का नहीं है, परिवार की इज्जत का है। अच्छा सर आप चुप रहिए, इस मामले में आप अपनी बेटी का नाम क्यों घसीट रहे हैं? सर मेरे पापा एक्सीडेंट में मारे गए, उस मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी नहीं थी। आज आपका भाई पैसे चुरा कर भाग गया, ये आपकी बेटी का प्लान नहीं था। एक एक्सीडेंट जो किसी जगह हुआ या एक चोरी जो किसी और ने की, उसका दोष किसी लड़की को मत दीजिए प्लीज। सर अगर उसकी किस्मत इतनी ही बुरी होती तो आप सब 5-स्टार रिजॉर्ट के स्वीट में बैठकर ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे होते। मुझे 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं रमन जी को ढूंढकर आपके सामने लाता हूं। और अगर नहीं ला पाए तो? अगर 2 घंटे में उसे आपके सामने हाजिर नहीं किया तो मैं सन ऑफ सत्यमूर्ति नहीं। क्या मैं भी साथ चलूं? यहाँ बाप शादी तोड़ने की बात कर रहा है और दोस्तों से बचाने की कोशिश कर रही है, चलो हमारे साथ। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वो शराब के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते। इतना पैसा मिलने के बाद वो ऐसी जगह पर रुकेंगे? वो ऐसी ही जगह पर होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हेलो, आपने इस आदमी को देखा है? नहीं देखा है। हेलो, इस आदमी को कहीं देखा है? देखिए आदमी नहीं, मैंने नहीं देखा, उधर जाके पूछिए। शुगर लेवल कम हो रहा है, मैं टैबलेट्स नहीं लेकर आई। मुझे डबल क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है मैंने कम चढ़ा रखी है, अर्जेंटली एक क्वार्टर मारनी पड़ेगी। ए सुबह लक्ष्मी, ये कोई आइटम नंबर है जो तुम देख रही हो? इसे ये दिख गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? टेंशन को पेंशन दे और ठंड रख, वो कहीं नहीं जाने वाला, इस तरफ ही आने वाला है, उधर डेड एंड है और इधर दी एंड। मैं तो कहता हूँ सूटकेस छीन लो, तुम वैसे भी अखाड़े में कूद पड़े हो। हाँ ये केबीसी में 5वां ऑप्शन कहाँ से आ गया? शुगर कम होने की वजह से कम दिखता है, लेकिन पहली बार कोई उड़ता हुआ दिख रहा है। परमजीत सिंह तेरी तो मेरी धुलाई बाद में कर लेना, पहले ये मैटर सेटल करो, ये जिंदगी में बहुत ऊंचा चला गया। वेलकम टू इंडिया। तुम लोग भी मेरी तरह उड़ के आ गए क्या? हम कहीं नहीं गए, तुम यहाँ से यूं गए और यहीं वापस आ गए। सूटकेस मुझे दो। नहीं दूंगा, मारना मत, मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसे मामले सेट करने के लिए एक बेटा पैदा किया है, तुम लोग आपस में निपट लेना। ये ले पकड़ कैच।
सूटकेस चाहिए था, अब मुझे तू भी चाहिए। पैसा चुराने की तूने हिम्मत कैसे की? शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम दो बच्चे हो एक ही परिवार के, और इसने ऐसी हरकत की, शर्म। चोर कहीं के, जितनी गालियां दूं उतनी कम है। अरे तुझे तो मार देना चाहिए। जब आपका बड़ा भाई मुसीबत में पड़ा था तब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और अब बेटी की शादी टूट रही है तो आपको रिश्ते याद आ रहे हैं। उस दिन आप ही ने रिश्ते को ठोकर मार दी थी, और आज इसे उसकी अहमियत नहीं है। सच कहूं तो आपको इसे डांटने का हक नहीं है सर। अच्छे वक्त में अपनों का साथ छोड़कर बुरे वक्त में उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है। मेरे पास पल्लवी को देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है, माफ कर देना। नहीं भैया, मेरी वजह से आपने दर दर की ठोकरें खाई, 10 साल आपने नरक की जिंदगी जी, मुझ पर मुसीबत पड़ी तो एक मिनट में बिल्कुल बौखला सा गया। ये सब क्यों भैया? और मुझ पर एक एहसान करना भैया, 2 घंटों के लिए बिना पिए सर पे साफा बांध लेना, और अपनी बेटी का कन्यादान करना भैया। आपके अलावा मेरा और है ही कौन? है इधर आ, ये तेरी प्रॉपर्टी है, तू ही हम दोनों का वारिस है। दारू सिगरेट पी के जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? ये ले चाबियां रख, अब से तू ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। मेरी ऐसी हालत देख के शायद बहुत हंसी आई हो तुम्हें, लेकिन तुमने मजाक नहीं उड़ाया, हमारे आंसू पोंछे, तुमने हमें फिर से एक किया। तुम्हें जन्म देने वाला तो कोई महान ही हो सकता है। साथ ले चलो। नहीं 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 नहीं। पल्लवी, योगेश तुम्हारे लिए सही है, ये मत समझना कि मैं ईगो की वजह से तुमसे ऐसा कह रहा हूं। योगेश इज अ ग्रेट गाय, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। मैं ये पहली शादी करवा रहा हूं, और अगर अब दुल्हन ऐसे रोएगी तो ये मेरी लास्ट शादी होगी। मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी शादी किससे होने वाली है, पर कोई लड़की मना करने के बाद फिर से शादी करना चाहे तो ये फीलिंग कुछ अलग ही होती है। उस दिन जब पल्लवी सगाई तोड़कर टेबल पर अंगूठी रखकर जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा के बिना
और उनकी प्रॉपर्टी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो। लेकिन अब उनके बिना, उनकी प्रॉपर्टी के बिना भी आई एम समथिंग। और हां, जीरो तो नहीं हूं, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। आई एम लो ऑन शुगर, मुझे लो शुगर है बचपन से, और उसी के लिए टैबलेट्स लेती हूँ, ड्रग्स नहीं लेती हूँ। ये सिर्फ वही जानते हैं जो मेरे करीबी होते हैं, जिन्हें मैं चाहती हूँ। ओके, मतलब? मतलब जो लोग मेरे लिए स्पेशल होते हैं, जैसे कि तुम। लाइक हमारी शादी और बच्चे होने के बाद, हो सकता है तुम कहो कि तुमने ये डायबिटीज वाली बात पहले। What? शादी और बच्चे? वो मुझे जाके मेकअप करना है। Yeah. ठीक है। देखो सारा लगेज बाहर निकाल लो। सर ये लो। सर ये 15 लाख का चेक है, पर आपको तो 10 ही देने हैं। तुम्हें जितना दो उतना कम है बेटा। सर नो सर, मैं ये नहीं ले सकता सर, प्लीज आप। ये फीस नहीं, मेरा प्यार है, प्लीज। जो अजय सिंह मुझे अपनी बेटी देने वाले थे, परी की स्कूल फीस दे बैठे। हम शादी कब कर रहे हैं? कोई ट्रैफिक में ये बातें पूछता है क्या? पहली बार तुमने मुझे सीक्रेट के साथ देखा। जिस लड़की ने सगाई तोड़ी उसी का मंडप सजाया, लो शुगर होने के बावजूद मुझसे इतना प्यार किया। हमारी लव स्टोरी तो सबसे बहुत अलग है। समझ गया। घर आके मेरा हाथ मांगो। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। करेक्ट, ऐसे मामलों में फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। आज सोचो और कल आ जाओ। बहुत टाइम दे दिया सुबह लक्ष्मी। समीरा। ओके समीरा जी, तुम अब तक आए क्यों नहीं? ट्रैफिक में फंसा हूँ और 2 घंटे लगेंगे। पापा से कहो अपने दामाद का इंतजार करें। ओके बस पहुँच रहा हूँ। हेलो। शॉक लगा क्या सुबह लक्ष्मी जी? इरिटेट मत करो बनी जी। ठीक है इरिटेट नहीं करता तुम्हारे पापा से। पहले ही लो शुगर का लोचा है, मिठाई मत खाओ। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही बात करते हैं। ओ, तो ये है वो। मेरी हालत उस चूहे जैसी थी जो शेर की गुफा में साइट सीइंग करने जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता इससे तोड़ दे और मैं इसे अपनी बेटी दूं। समीरा आपकी बेटी है पता नहीं था, पता होता तो यहाँ नहीं आते, यही ना? पनी बहुत अच्छा लड़का है पापा, पिता का कर्ज उतारने के लिए इसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसी बेवकूफी से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही नहीं, पल्लवी भी इससे शादी करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये जनरेशन इतनी ना समझ होगी। इंसान पैसा कमाने के लिए ही बना है। महंगी गाड़ी खरीदनी चाहिए, ऐशो आराम की चीजें होनी चाहिए, रहने के लिए ऐसा बड़ा सा एक घर होना चाहिए, और बात करने के लिए ऐसी दीवारें भी होनी चाहिए। मेरे हाथ से छूटकर ये चाय का कप गिर गया। अपनी माँ से कहो कि इसे साफ कर दे। तुम क्या कह रहे थे? आपको बनी क्यों नहीं पसंद है पापा? मैं समझ नहीं पा रही। लड़का जवानी में दारू पिए, सिगरेट फूंके या ड्रग्स ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजकर उसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन इस लड़के की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कौन सी बीमारी? अच्छा बनकर भलाई करने की बीमारी। ऐसे लोग अपना सब कुछ दान करके जिंदगी भर फकीरों की तरह रहते हैं।
समीरा वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे पापा से बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। शाबाश, तुम्हारे पिता के मरने के बाद भी कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता और तुम मेरे सामने ही मेरी बेटी को ले जाने की बात कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी वैल्यूज? तुम सिर्फ ढोंग करते हो। तुम शायद नहीं जानते तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा चीटर था। उस वक्त अगर हाथ में चाकू होता तो इसका खून करके शमशान पहुंचा देता और खुद जेल की सलाखों के पीछे होता। मेरा बाप नहीं, मेरे पिता का ही है। अगली बार उनका नाम लेने से पहले दो बार सोचिएगा। आजकल तो मैं उनका नाम दिन में कई बार लेता हूँ बेटा, ये सोच करके कैसे उन्होंने मुझे टोपी पहनाई। वो मदद करना जानते थे, किसी को फंसाना नहीं। मोहन कुमार मिश्रा बिना प्रूफ के बात नहीं करता। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पिता ने ही मुझे बेची थी, तब इसकी कीमत 10 करोड़ थी, आज 30 करोड़ है। लेकिन इससे जुड़े बाकी सारे पेपर्स देवराज नाम के एक आदमी के पास है, जिसने वहाँ अपना बोर्ड लगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब तक मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करने पहुँचता, वो इस दुनिया से चले गए। तुम इन पेपर्स को रख कर मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे, ये सोचकर मैं तुम्हारे घर आया था। एक ऐसा आदमी जिसे अपने सगे बाप की मौत से ज्यादा फ्लाइट रेट जरूरी थे, वो मेरे पिता के मरने के बाद मेरे घर क्यों आया, मुझे सलाह क्यों दी, ये अब मेरी समझ में आया। उस वक्त तुमने हरिश्चंद्र की तरह अपनी सारी प्रॉपर्टी लोगों में बांट दी और वो बेकार के शेयर्स रख लिए। अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसी जमीन बेचने वाले तुम्हारे पिता महान हैं, या अब तक इस बारे में जिक्र तक नहीं करने वाला मैं महान हूँ? जाओ और जाकर शादियां अरेंज करवाओ और चिल्लर कमाओ, वैल्यूज पर प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इतना सब कुछ ये सोचकर किया कि तुम्हारे पिता को कोई गालियां ना दे, अब मैं गालियां दे रहा हूँ, क्या करोगे तुम? लौटाओगे मेरा पैसा? लौटाओगे क्या? पैसा नहीं दे सकता, पर वो प्रॉपर्टी पेपर्स ला कर दूंगा सर। तुम मुझे पेपर्स ला कर दोगे? जानते हो वो पेपर्स किसके पास हैं? देवराज ठाकुर, वो मेरी तरह शरीफ आदमी नहीं जो तुमसे प्यार से बात करेगा। उसका दूसरा नाम ही दहशत है। आसपास के 21 गांवों में उसी का राज चलता है। के लोग उसे देवता मानते हैं, हजारों हथियार बंद लोग उसके साथ रहते हैं। देवराज ठाकुर इंसान के रूप में एक जल्लाद है। जैसे बात करने के लिए लोगों की जबान चलती है, वैसे बात मनवाने के लिए चलता है उसका खंजर। उसकी इजाजत के बिना एक मक्खी तक उसके घर से निकल नहीं सकती, तो वहां से 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे निकालोगे? भले ही रावण के 10 सर थे, उसके साम्राज्य की राक्षस रक्षा करते थे, अशोक वाटिका कहां थी किसी को नहीं पता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भगवान राम ने रास्ता ढूंढ ही लिया। मैं वो पेपर्स लेकर आऊंगा। आज से ठीक 4 हफ्ते बाद उस लैंड का मुआयना करने बैंक ऑफिसर्स आएंगे, तब तक पेपर्स ला पाओगे? हाँ ले आऊंगा। ठीक 4 हफ्ते बाद। एक महीना, आज 21 तारीख है, अगले महीने की 20 तारीख तक, अभी दोपहर के 12 बजे, अगले महीने की 20 तारीख को पेपर्स ठीक 12 बजे आपके हाथों में होंगे। अगर तुम पेपर्स ले आए तो वादा करता हूं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मेरे पापा की तस्वीर पर हार चढ़ाना पड़ेगा और सॉरी कहना पड़ेगा। हो सकता है आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन पत्नी का दिल जीतने के लिए कप तोड़ने से कुछ नहीं होता, दीवार तोड़नी पड़ती है।